ये है दोनों सिल्क की शर्ट, तो मैं इसको धुलने जा रही थी घर पे ही। ये प्योर सिल्क की है, देखिए कितना अच्छा वाला सिल्क है ये। और ये भी दोनों गंदी हो गई थी, तो मैं इसको धुलूंगी क्लिनिक प्लस शैम्पू और नमक के साथ, थोड़ा सा 1 चम्मच नमक ले। इसमें शैम्पू डाल दिया है क्लिनिक प्लस, थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, देखिए अब इसको अच्छे से ऐसे मिला देंगे। और फिर इसको शर्ट को इसमें मैंने इसको अच्छे से भिगो दिया, तो हल्के हाथ से इसको मसलेंगे, ज्यादा नहीं, वो पानी में थोड़ा सा इसको अच्छे से साफ करने के बाद फैला देंगे, तो शर्ट खराब नहीं होगी। फिर प्रेस कर लेंगे अच्छे से, तो मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा हल्के हाथ से बिल्कुल ऐसे, इसमें कुछ नहीं करना है। वो लोग ऐसे ही इसको धुलते हैं और कितना ज्यादा पैसा लेते हैं। फिर नमक जरूर डालें और शैम्पू का इस्तेमाल करें। मैं इसको अच्छे से पानी से साफ कर लेती हूँ। 2 मिनट तक मैंने इसको इस शैम्पू में छोड़ दिया था, अब मैं इसको धुल लेती हूँ। मैं बेसिंग में ही धुल रही हूँ कि आप लोग देखें कैसे इसको धुलते हैं। ये किचन का बेसिंग है। लेकिन कितना साफ हो गया है। मैं इसको दोबारा एक पानी से खंगाल चुकी थी, अभी मैं इसको एक बार और अच्छे से ये पूरा पानी निकल जाए ऐसे साफ कर लूंगी। अब बस ये साफ हो चुकी है, और इसको हल्के हाथ से पानी इसका निकाल के इसको टांग देंगे, फिर फैला देंगे। खुलने के बाद हैंगर में ऐसे लटका दिया है, इसको निचोना नहीं, बस ऐसे ही हल्के से टांग देना है। ये दोनों अच्छे से साफ हो चुकी है मेरी शर्ट। अब मैं इसको जब स्टीम कर लूंगी फिर आपको दिखाऊंगी नई जैसी होगी, चमकने लगी है अभी। ये वो शर्ट है जो मैंने धोई थी, अब मैं इसको स्टीम करने के बाद इनको पहनने के लिए दे दूंगी। तो मैंने स्टीम को गर्म कर लिया है, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। अभी मैं इसको आयरन कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ इसको। ये देखो धुलने के बाद ये एकदम नई जैसे हो गई है। ये कोई नहीं कह सकता है कि बाहर से धुलाई है या घर पे ही 2 रुपए में धुली हुई है। 2 रुपए का क्लिनिक प्लस 1-1 रुपए वाला जो पाउच आता है, मैंने उससे धोया है थोड़ा सा नमक डाल के। ये देखिए, और मैंने इसको प्रेस करके टांग दिया है। तो ये मेरी सिल्क की शर्ट कहा, इसका धुलाई में 200-250 रुपये लगता था एक बार में, ये 2 रुपये में घर में धुल चुकी है। तो ऐसे धो सकते हो घर में अपने, आयरन करें, और आपका सिल्क का कपड़ा खराब भी नहीं होता है। इसमें देखिए कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम प्योर सिल्क, बहुत महंगा वाला सिल्क है ये। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय। ये सिल्क की शर्ट है जो मैंने घर पे धुली थी 2 रुपए के क्लिनिक प्लस से, और थोड़ा सा नमक डाल के, और फिर मैंने इसको घर पे ही इसको आयरन कर लिया है। और ये देखिए एकदम नए जैसे एकदम नई हो चुकी है। तो आप ऐसे अपने शर्ट को धो सकते हैं घर पे ही, ध्यान रखें उससे ज़्यादा मले नहीं, हल्का सा 2 मिनट के लिए फुला दें, और आपकी शर्ट एकदम साफ और अच्छे से धुल के तैयार है। फिर धोने के बाद इसको प्रेस कर लीजिए सिल्क मोड पे जाके, तो आपकी शर्ट एकदम जैसे आपने बाजार से धुलवाई है वैसे हो जाएगी। नहीं तो बाहर धुलाई में एक शर्ट का जितना कीमत नहीं रहती, 250-250 रुपये इसका ले लेते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट बाद में वीडियो